हूँ मैं बेनती करदा ओम प्रकाश मलिक प्रधान किसान यूनियन पानीपत हरियाणा उस स्टेज पर आना तो उन्होंने तो बाद एक गीत सुलखण सरहंदी कविता सुनाउणगे वो तैयार रहन आओ जी। सब भैनों भराओं नूं मेरी राम राम। भैनों ते भराओ असी इधर बह गए तो अपना हक लेकर जाएंगे, बगैर हक के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये मोदी नहीं मदारी है, ये मौत का शिकारी है, ये प्रधानमंत्री नहीं व्यापारी है, ये व्यापारियों की सरकार है। भाई जिन्हों ये आतंकवादी आखदा पंजाब वालों, वो पंजाब वालों की देन है। जो शहीद हुए उनकी बदौलत ये प्रधानमंत्री बनाए। अगर वो शहीद ना होते, वो मोदी तू और मैं तो अंग्रेजों के गुलाम होंगे, तो उन्होंने लैटरिन साफ करते फिरते। जो देश आज़ाद हुआ 1947 में 2100 बंदा पंजाब का काले पानी सी, बाकी 600 बंदा उत्तरी भारत का सन हन। मैं पंजाबी पूरी आती नहीं, मैं तुहाडे कोल ही सिक्या हूँ। मैं हिंदी भी नहीं बोल सकता, पंजाबी पूरी नहीं बोल सकता, मैं बोलांगा तो 600 बंदा उत्तरी भारत का सी, तो गुजरात का कोई बंदा नहीं सी। ये गुजराती आ गए, ये कहते हैं असी, हाँ ये गुजराती कहते हैं जहाँ भी दूसरे देश में जाता है कहता मैं तो चाय बेचता हूँ। अरे राज तो वो करेंगे जिन्होंने राज करने की बैन है, आदत होती है। ये राजा थोड़ा है, ये तो व्यापारी है, व्यापार करने के लिए आया है। जड़ा अपना घर नहीं बसा सकया, वो देश नू किवें बसाऊगा? अपनी बीबी नू छड्डा फिरदा है, वो देश नू भी छड़ के जाऊगा? असी उन्हूं जान नहीं दांगे, इत्थे ही फड़के रखांगे। ए तब से राज है, तब करेगा तो राजा बनेगा, राज से नरक है, राजा बन के नरक मन जाएगा। ये नरक में भी नहीं जाएगा, ये कीड़ा दी कुंड विच जाऊगा। जिवें सानू मच्छर खांदे नहीं, इनू कीड़े एवें ही खावांगे। जदों रात नू मच्छर लड़दे इनू असी बद्दुआ देंदे, ओ मोदी तू मन जा, इन्हां जिन्हां नू टकराया वो मर गए ने। देखो 1906 में भगत सिंह चाचा जीत सिंह नू धरना लाया सी, अंदोलन किया सी, तो उदू नारा दिता सी भई सब कुछ लुट जाऊगा, पगड़ी संभाल जट्टा। जट्टा का मतलब वो खेती करने वाला। वो देखो डिक्टेटरशिप राज सी, उन्हूं तो वोट भी नहीं चाहिए सी, तेनू तो वोट भी चाहिए। वो अंग्रेज़ भी मन गए सी, ये नहीं मन रहा, अंग्रेजों का भी कुछ लगता है। ये तो आ गया है, वो एक नया मुंडा राजा बन गया, उसका प्यो गुजर गया सी, तो बोलिया अपने बुजुर्ग सी उसका मंत्री, मंत्री जी मेरे दादा का राज अच्छा सी, अग मेरे प्यो का अकवी मेरा। वो मंत्री घबरा गया, उन्हू टाइम मंगया 2 महीने का, टाइम भी हो गया। एक बुजुर्ग पंडित के पास गया, अग दादा जी तूनू तो साहब दे राज वेखे ने, ते राज बताओ किदा चंगा सी। अग मैं आवांगा वो दस देंगा। उन्हू आके आया तो बोला भी बताऊगा मंत्री जी, आहो ये पंडित जी बताओगे। वो दस्या भी एक अंधेरी आई, काली अंधेरी, काली अंधेरी में एक जनानी गुम होगी। वो किसी के घर गई, घर जाके उन्हों प्यो बोलिया भी कुड़ी नू नहीं मूँह धुआओ, तो दुध पिया के दे घर छड़ के आओ। वो चारू भाई नू घर छड़ के आए। फिर दूजी इन अंधेरी आई दूजे राज दी, तो उदे विच आई अंधेरी विच, तो वो फिर आके घर में आ गई बेचारी। उसकी आँखें धुआई, आँखें धुआने से पहले उसकी टूमा टामा उतार ली, जेवर उतार के बोला जी बाजू फट के अगे टुरैओ कि किसी ने वेख्या आई इधर घर में आईए। फिर तीजी अंधेरी आई, तीजी अंधेरी में आई, वोटी आई तो वो घर ही रख ली, बोला किसी ने देखी थोड़ा, वो सब कुछ ही रख लिया। इनू तो भाई देश का सब कुछ ही बेच छड़ा, रखा नहीं कुछ नहीं पाने पास। क्या सी, एक मजदूर भी बेच दिया, किसान भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। असी यहाँ आए हैं, अपना हक लेकर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बगैर हक के नहीं जाएंगे। अपने आंधी और तूफानों में भी रुकना न चाहा, दुश्मन के आगे कभी झुकना न चाहा। चाहे जमाना झुक जाओ, दुश्मन को वीरता दिखलाओ। जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब, भारत।